स्वागत है आपको इस चैनल पे। आप सब तो भगवान पुरुषोत्तम राम के बारे में जानते ही होंगे, कैसे उन्होंने तारका को मारा, रावण को मार के अपनी स्त्री सीता को उद्धार किया। लेकिन आप सब क्या जानते हैं भगवान राम के जन्म के पीछे छुपी हुई कथाओं के बारे में? कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे नारायण अवतारित हुए राम के रूप में? और आप सब क्या जानते हैं ऋषि श्रृंग कौन है? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं वो घटना को जो भगवान राम के जन्म से पहले घटित हुआ। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो इस कथा का आरंभ होता है विभंडक नाम के एक मुनि से। इस मुनि के नाम शायद ही कोई जानता होगा। मुनि विभंडक बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके क्रोध से त्रिलोक कांपता था। भगवान राम के अवतारित होने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सभी देवताओं युक्ति करने लगे। और इसी दौरान देवराज इंद्र ने पवन देव को मुनि के पास भेजा। मुनि के पास जाके पवन देव छुप के रहते थे और पवन देव देखते थे कि मुनि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कब क्या खाते थे, कौन सी वृक्ष का फल खाते थे, वो सब कुछ देखते थे। उसी दौरान पवन देव ने देखा कि मुनि एक वृक्ष के फल रोज खाते थे। तो पवन देव ने चुपके से उस वृक्ष के फल के ऊपर देवताओं की एक दिव्य रस लगा दिया। और जब मुनि ने वो फल खाया तो मुनि बहुत बलवान हो गया। और उसके बाद मुनि ने नर्मदा के तट पर तप करने के लिए चले गए। और देवताओं की युक्ति के अनुसार उर्वशी मुनि के सामने से ही जा रही थी। और उर्वशी इतनी मोहक थी कि उसे देखकर मुनि के मन में तीव्र काम वासना जाग उठी। और तभी मुनि के वीर्य स्खलित हुआ। फिर मुनि ने अपनी वीर्य को पानी में ना फेंक के नदी तट के घास के ऊपर गिरा दिया। ठीक उसी वक्त एक हरिणी नदी के जल खा के घास खा रही थी और घास के साथ मुनि के वीर्य भी खा ली। देवताओं के युक्ति अनुसार वो हरिणी तब ऋतुमती था और मुनि के वीर्य में इतना तेज था कि वो वीर्य पेट में जाते ही हरिणी गर्भवती हो गई। फिर 6 महीना बाद उस हरिणी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो शरीर से मनुष्य था और मुख था हरिण का। ऐसे बच्चे को देख के हरिणी डर गई और फिर भाग गई और बच्चा रोता रहा। उसी वक्त विभंडक मुनि ने जाते जाते सुना कोई बच्चा रो रहा है और फिर बच्चे के पास जाके हैरान हो गए। और होना भी था क्योंकि बच्चा है ही ऐसा, शरीर से मनुष्य और मुख से हरिण था। फिर मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से सब घटना को जान लिया और जान गए कि वो उन्हीं का पुत्र है। फिर उन्होंने अपने पुत्र को लेकर कुटीर में चले गए और उस पुत्र का परवरिश करते रहे। कुछ दिन बाद जब बच्चे के ललाट पे श्रृंग उठा, क्योंकि मुख तो हरिण का था ना, तो मुनि ने अपने पुत्र का नाम ऋषि श्रृंग रख दिया। ऋषि श्रृंग ऐसे ही बड़ा होता रहा जंगल में मुनि पुत्र के रूप में। उस जंगल में मुनि और उसके पुत्र के सिवा और कोई इंसान नहीं रहता था। तो ऋषि श्रृंग ने कभी अपनी जिंदगी में नारी नहीं देखा था और नारी को जानता तक भी नहीं था। तभी उसी समय किसी और जगह पे जब राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के मुख से ऋषि श्रृंग के बारे में सुना कि उस मुनि के यज्ञ के पुण्य से उनको पुत्र लाभ हो सकता है, तो राजा दशरथ ने उस मुनि पुत्र को ले आने के लिए योजना करता रहा। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई भी उस मुनि पुत्र ऋषि श्रृंग को लेके आएगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। लेकिन उस भीड़ में एक वृद्धा ने राजा को बोली कि वो ला सकती है। तो राजा दशरथ ने उसके ऊपर वो कार्य भर दिया। उसके बाद उस वृद्धा ने कुछ सुंदर सी कन्या को
साथ ले गई, क्योंकि वो विद्या जानती थी कि ऋष्यशृंग कभी अपनी जिंदगी में नारी नहीं देखा, और वो समझ गई थी कि उसको बहलाने की एकमात्र तरीका नारी मोह ही हो सकता है। और फिर जैसे तैसे करके वो विद्या ने उन कन्याओं के माध्यम से ऋष्यशृंग को बहलाने में सक्षम हो गई। लेकिन वो ये काम विभंडक मुनि के पीठ पीछे करते थे, ताकि उन्हें इस काम की भनक तक ना लगे कि उनके पुत्र को ले जाने की योजना चल रहा है, क्योंकि अगर उनको पता चला तो वो श्राप दे देते। और ऋष्यशृंग भी नारी मोह में चला गया, उन कन्याओं के साथ वो चला आया जो जंगल से बहुत दूर था। और फिर वहाँ पे ऋष्यशृंग को संसार में बांध के रखने के लिए राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उससे करा दिया। लेकिन उस समय विभंडक मुनि ने अपने पुत्र को ना पाके उसको ढूंढता रहा और गुस्से से जंगल का विध्वंस करता रहा, और क्रोध में इधर उधर भटकते हुए अपने पुत्र को खोजते रहे। और ऐसे ही करते करते मुनि ने एक गांव में जाके पहुंचा। वहाँ पे मुनि ने सुना कि ऋष्यशृंग से राजा दशरथ के पुत्री का विवाह हुआ है और उसे एक गांव का राजा बना दिया गया है, और ऋष्यशृंग के यज्ञ के कारण राजा दशरथ के पुत्र लाभ होंगे। ये सब सुनने के बाद मुनि का क्रोध शांत हुआ और वो अपने स्थान पर लौट गए, क्योंकि वो जानते थे ऋष्यशृंग अगर यज्ञ आरंभ करेंगे तो राजा सब ब्राह्मण मुनि ऋषियों को बुलाएंगे, और तभी वो उनके पुत्र से भी मिल पाएंगे। फिर कुछ ही दिनों बाद वो समय आ गया जब राजा दशरथ के पुत्र लाभ हेतु यज्ञ निश्चित किया गया, और राजा दशरथ ने सारे ब्राह्मण मुनि ऋषियों को और सारे राजाओं को आमंत्रित किया, और यज्ञ के फलस्वरूप अवतरित हुए हमारे प्रभु, हम सबके प्रभु श्री राम, और साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये था कथा प्रभु श्री राम के जन्म का और ऋष्यशृंग का। तो आप लोगों को ये कथा कैसा लगा कमेंट पे जरूर लिखिएगा। नमस्ते, जय श्री राम, जय भारत। इस वीडियो के मेकिंग करते समय बहुत सारे मिस्टेक्स हुआ है मुझसे, तो प्लीज़ दोस्तों माफ़ कर देना।